हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर चैनल में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो 30-20 का मुकाबला खेला जाएगा, उसको बात करेंगे दोनों ही टीमों की तरफ से क्या है टीम न्यूज और क्या हो सकती है दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11। और इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में जानेंगे पूरी पिच की क्या है स्कोरिंग पैटर्न, क्या किस प्लेयर की सबसे ज़्यादा स्कोर है इस पिच पे, यानी कि मैच की पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। वहीं बात कर लेते हैं आपको, यह मुकाबला जो है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ का पिच जो है बहुत ही अलग होगा, जनरली जो है डिफरेंट होगा पिच कंपेयर टू गाबा का स्टेडियम और मेलबर्न का स्टेडियम। आपने देखा होगा कि गाबा और मेलबर्न का दोनों का जो स्टेडियम है उससे जो यहाँ का पिच है सिडनी का थोड़ा सा अलग होने वाला है, और यहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिल सकती है। आपको दिखाएंगे कि पिछला मुकाबला जो हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का इसी पिच पे जो, तो उसमें किस बॉलर ने यहाँ पे विकेट लिया था, क्या वो फास्टर बॉलर था, क्या वो स्पिनर था, वो मैं आपको पूरा का पूरा दिखाने वाला हूँ। सारा पिच का जो है रिपोर्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको बता देते हैं यहाँ का जो T20 का जो स्कोरिंग पैटर्न है इस वेन्यू का, टोटल मैच यहाँ पे 5 खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मैच जीती है, वहीं पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने 3 मैच जीती है। वहीं आपको बता दें कि फर्स्ट इनिंग का जो यहाँ का स्कोर रहा है 165 और सेकेंड इनिंग का स्कोर जो रहा है 146, और यहाँ का जो हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड है 221 पे 5 विकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में। वहीं हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे चेज हुआ है 200 रन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में। तो आपको बता दें कि इस पिच पे आपको अच्छा खासा रन स्कोर देखने को मिल जाएगा। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो आपको 200 प्लस के स्कोर भी दिखने को मिल सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो आपको 160 प्लस बैटिंग स्कोर तो आपको देखने को मिल ही जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि यहाँ का जो लोएस्ट स्कोर डिफेंड हुआ है इस पिच पे 150 पे 7 रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच में हुआ था। वहीं आपको बता दें यहाँ पे एवरेज रन पर विकेट जो है 28.25 है यहाँ का, और आपको बता दें एवरेज रन पर ओवर जो है 8.48 रहा है। वहीं आपको बता देते हैं इस ग्राउंड पे हेड टू हेड दोनों ही टीमों के बीच, तो एक मुकाबला खेला गया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक इस पिच पे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, और जिसमें इंडिया ने मैच में जीत हासिल की थी। वहीं आपको बता देते हैं मौसम का हाल तो क्या रहने वाला है इस पिच पे, तो आपको बता दें कि बारिश की चांसेस जो है थोड़ी कम है, जैसे कि पिछले मुकाबले में आपने देखा होगा बारिश ने खलल डाली थी, तो यहाँ पे बारिश होने की चांसेस थोड़े से कम है वहाँ के मुकाबले। वहीं आपको बता देते हैं कि इस पिच के जो बेस्ट प्लेयर हैं, यानी कि किन प्लेयर के सबसे ज़्यादा रन हैं इस पिच पे, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कि क्या है इस पिच के सबसे बेस्ट प्लेयर कौन से हैं, जिनका रन सबसे ज़्यादा है, अधिक है इस पिच में, और जो इस मैच में खेलेंगे, जो इस मैच में नहीं खेलेंगे उन वो तो कोई मायने ही नहीं रखते हैं, लेकिन जो इस मुकाबले में खेलेंगे वो कुछ ज़्यादा ही मायने रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन से प्लेयर इस पिच पे ज़्यादा बेटर करते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्कोर हैं इस पिच पे आपको वाटसन के हैं, जो कि इंडिया के खिलाफ ही बनाए थे पिछले 2016 में जो T20 का मुकाबला हुआ था, इसमें जो कि इकलौता T20 अभी तक खेली है इंडिया इस मुकाबले पे, इस वेन्यू पे, जो कि आपको बता दें वो 124 रन था। और आपको बता दें कि यहाँ पे दूसरा जो प्लेयर है जिसका सबसे ज़्यादा रन रहा है इस वेन्यू पे, तो वो है डेविड वार्नर, जो कि ये मुकाबला नहीं खेलेंगे और वाटसन भी तो नहीं खेलेंगे, तो ये दोनों उतना मायने नहीं रखते हैं। वहीं इनके अलावा जो बात करें जो ये मुकाबला खेलेंगे वो कौन से प्लेयर हैं जिनके स्पीड पे ज़्यादा रन है, तो आप यहाँ पे नोट कीजिए क्रिस लिन ये मुकाबला खेलेंगे और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं ये इन पिचों पर, क्योंकि ये जो सिडनी की तरफ से खेलते हुए आपको पता है कि क्रिस लिन सिडनी की तरफ से खेलते हैं बिग बैश में और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। तो जो प्लेयर खेलेंगे इनमें से काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है यहाँ पे, इनका हाईएस्ट यहाँ पे 40 पे, मतलब कि 40 पे नाबाद है इनका, और इन यहाँ पे ये मुकाबला खेले हैं इंटरनेशनल T20 का,
एक, इसने जो मुकाबला खेले हैं दो मुकाबला खेले हैं, सॉरी यहाँ पे दो मैच इन्होंने खेला है, और जिन एक मिनट, हाँ यहाँ से आपको दिखा देते हैं, क्रिसलिन इस पिच पे दो मैच खेले हैं दो इनिंग में, और यहाँ से इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है 44 का, और इनके टोटल रन है इस पिच पे 57। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यानी कि क्रिसलिन काफ़ी अच्छे हो सकते हैं आपकी टीम में यहाँ के पिच के लिए। और बात करें यहाँ से एक प्लेयर आपको देख सकते हैं, नाम आपको दिख रहा होगा यहाँ से, वाइट, तो ये तो नहीं खेलेंगे। और उनके बाद आपको एक दिख रहा होगा रोहित शर्मा, शर्मा आरजी, जो कि रोहित शर्मा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने इस पिच पे 52 रन लगाया था इन्होंने इस मुकाबले में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 52 रन है यहाँ पे, और कोहली है उनके बाद जो कि 50 रन है इस पिच पे। तो आप देख सकते हैं ये प्लेयर्स हो सकते हैं इस पिच के लिए काफ़ी अच्छे पिक आपके ड्रीम इलेवन की टीम के लिए। और बात करें प्लेयर्स की, तो रायना है ये तो नहीं खेलेंगे, गिलक्रिस्ट है नहीं खेलेंगे, पॉन्टिंग नहीं खेलेंगे, जो ये सब तो पहले के प्लेयर हैं। वहीं बात कर लेते हैं और जो प्लेयर खेलेंगे, वो हो सकते हैं आपको मैक्सवेल, मैक्सवेल का भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा इस पिच पे, और हाईएस्ट टेन का इस पिच पे 40 पे नवाद, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं इस पिच पे, तो आप ले सकते हैं मैक्सवेल को अपनी टीम में। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे और कोई प्लेयर्स हैं नहीं ऐसे जो खेलेंगे। और अब चलिए बात कर लेते हैं लास्ट मुकाबला जो खेला गया था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का इस पिच पे, तो देखते हैं क्या हुई थी इस पिच पे उस मुकाबले में। तो चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि लास्ट मुकाबला जो खेला गया था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया और वर्सेस इंडिया के बीच में, तो क्या हुआ था उस मुकाबले में। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रन बनाया था 14 रन उस्मान ख्वाजा ने बनाया था, शेन वाटसन ने बनाए थे 124 रन, शॉन मार्स ने बनाया था 9 रन, ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया था 3 रन, और ट्रेविस हेड ने बनाया था 26 रन, और क्रिसलिन ने बनाए थे 13 रन। और आपको बता दें कि यहाँ पे विकेट लिया था, नेहरा को एक विकेट मिली थी, जसप्रीत बुमराह को एक, आर अश्विन को एक, रविंद्र जडेजा को एक, और युवराज सिंह को एक। और आपको बता दें ये जो है स्पिनिंग ट्रैक है, आपको बता दें कि यहाँ पे स्पिनर बॉलर को कुछ ज़्यादा ही मदद मिलती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं युवराज सिंह ने भी एक विकेट इसमें लिया था, रविंद्र जडेजा ने भी लिया था, और आर अश्विन ने भी लिया था, और आशीष नेहरा और जसप्रीत बुमराह को भी एक एक विकेट मिले थे। अब देख रहे थे यहाँ पे 3 विकेट जो है स्पिनर बॉलर को मिली है, तो आप अपनी टीम में स्पिनर्स को लेके चल सकते हैं। वहीं बता दें इंडिया की तरफ से इस मुकाबले में 52 रन बनाए थे रोहित शर्मा ने, शिखर धवन ने बनाए थे 26, और विराट कोहली ने बनाए थे 50 रन, और सुरेश रैना ने बनाए थे 49 रन, और युवराज सिंह ने बनाए थे 15 रन। और यहाँ से बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विकेट किसको मिली थी, तो केवल एक खिलाड़ी हैं जिनको ज़्यादा विकेट मिली थी, जो कि हैं सीजे बॉयको, लेग स्पिनर हैं ये, अभी फ़िलहाल तो ये टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन पहले जब खेल रहे थे तो ये लेग स्पिनर है, और 2 विकेट लिया था इन्होंने। तो मैं कभी से बोल रहा हूँ कि ये पिच जो है स्पिनर बॉलर को ज़्यादा मदद करती है, तो आप स्पिनर बॉलर्स को लेकर चल सकते हैं। और यहाँ पे एक विकेट लिया था शेन वाटसन ने, और प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे शेन वाटसन। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं क्या होंगी प्लेइंग इलेवन इस मुकाबले के लिए। तो हमने देख लिए क्या रही बेस्ट प्लेयर जो उस वेन्यू पे, जो इस वेन्यू पे मैच होगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, कौन कौन से बेस्ट प्लेयर हो सकते हैं इस ग्राउंड के। अब देख लेते हैं क्या होंगी ड्रीम इलेवन की, जो प्रोबेबल इलेवन यानी कि मतलब जो इस मैच के प्रोबेबल इलेवन हो सकते हैं वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद बनाएंगे अपनी ड्रीम इलेवन की एक टीम। तो इंडिया की तरफ से आपको बता दें रोहित शर्मा, शिखर धवन, लोकेश राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, कुलदीप यादव, करुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, चहल या खलील अहमद। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि खलील अहमद को बाहर बिठाया जाएगा जैसा कि पिछले मैचों में इन्होंने प्रदर्शन किया। हाँ, अगर पिच कुछ ज़्यादा स्पिनर्स को मदद करती है तो किसी एक बॉलर को बिठा के चहल को खिलाया जा सकता है, और शायद ही वो कुलदीप यादव हो सकते हैं। और करुणाल पांड्या को बाहर करने का मेरे हिसाब से तो कुछ बनता नहीं है, क्योंकि पिछले मुकाबले में एक विकेट उन्होंने लिया, और इनको बाहर करने से थोड़ी सी बैटिंग कमज़ोर भी हो सकती है इंडियन टीम की, तो
यहाँ पे देखना पड़ेगा किस प्लेयर को बाहर करके चहल को खिलाया जा सकता है, या तो हो सकता है कि मेरे हिसाब से इंडिया जो है सेम प्लेइंग 11 के साथ जा सकती है। वहीं आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एरोन फिंच, डार्सी शॉट, क्रिसलिन, ग्लैन मैक्सवेल, बैन मैकडोरमेट, मार्कस स्टोनिस, एलेक्स केरी, जेसन बैंड्रोफ या मिचल स्टार्क। देखिए आपको बता दें कि मिचल स्टार्क को जो है ऐड किया है स्टैनलेक के रिप्लेसमेंट में। तो यहाँ पे किसी भी प्लेयर को बाहर करके, मुझे नाथन कुंटनीली को तो बाहर करेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने बल्ले से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, और एडम जंपा भी बाहर होंगे नहीं क्योंकि एक ही मात्र स्पिनर है क्वालिटी के ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और एंड्रो टाई भी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। तो यहाँ पे जेसन वेंड्रोप के चांस हो सकते हैं बाहर होने के, क्योंकि ये जो मुकाबला है अगर ये ऑस्ट्रेलिया जीत जाए तो सीरीज पूरा जीत जाएगी। तो यहाँ पे ज़रूरी कुछ चेंजेस करने को मिल सकती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, देखने को मिल सकती है। वहीं अब देख लेते हैं क्या होंगी ड्रीम इलेवन की टीम हमारी इस मुकाबले के लिए। देखिए अभी ड्रीम इलेवन की टीम बनाने से पहले यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाह रहा था आप लोगों को। यहाँ पे अभी एक मैच चल रही है T20 में सिंध वर्सेज पख्तून का, जिनमें दिखा देते हमारा पोजीशन क्या है। एक नंबर पे चल रहा हूँ अभी मैं, आप देख सकते कितना अच्छा मार्जिन से 258 यहाँ पे मेरे अपोनेंट्स के हैं और यहाँ पे 301 जो है मेरे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ मैं इस मुकाबले में, और देख सकते हैं हमारी टीम यही थी। तो आपने देख लिया होगा कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ मैं यहाँ से। तो चलिए अब दिखा देते हैं क्या होगी हमारी ड्रीम इलेवन टीम ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया के 30-20 मुकाबले के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्या होगी ड्रीम इलेवन की टीम हमारी इस मुकाबले के लिए। बात करते हैं सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो आपके पास दो ऑप्शन है, ऋषभ पंत और एलेक्स केरी। बता दें ऋषभ पंत काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है एलेक्स केरी के मुकाबले, हालांकि ऋषभ पंत के बैटिंग आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं क्योंकि मुझे लगता है इस मुकाबले में इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने वाला है, और यहाँ पे ऋषभ पंत जो है क्रेडिट के कारण भी मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया इन्हें, क्योंकि क्रेडिट मैनेज करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया एलेक्स केरी को। तो आप बिल्कुल ही जाना चाहें तो जा सकते हैं, आप देख सकते हैं 28% केवल लोग गए हैं एलेक्स केरी के साथ। आप जाना चाहें तो बिल्कुल ऋषभ पंत के साथ जा सकते हैं, 71% गए हैं लोग ऋषभ पंत के साथ। आप जाना चाहें तो एलेक्स केरी के साथ या ऋषभ पंत, दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। देख लेते हैं बैटिंग सेक्शन की। तो बैटिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर लिया विराट कोहली, एरोन फिंच को मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया है। आप लेना चाहें तो बिल्कुल ही ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं और आपको अच्छा खासा स्कोर करा कर दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया है ड्यू टू क्रेडिट के कारण, मैंने यहाँ पर इनको ड्रॉप किया। आप लेना चाहें तो बिल्कुल ही ले सकते हैं। मैंने यहाँ से पिक किया अपने टीम में रोहित शर्मा, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी खामोश चल रहे हैं इनके बल्ले, और आपको पता है जब इनके बल्ले चलते हैं तो रनों की तूफान आती है। तो काफ़ी अच्छे पिक हो सकते हैं आपके इस मुकाबले के लिए, रनों की बरसात कर सकते हैं। ये ऐसे प्लेयर हैं इनके बारे में तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, जिस दिन ये खेल गए तो अकेले ही अपने दम पे मैच जिताने का पावर है इनके पास। आप लेना चाहें तो बिल्कुल ही ले सकते हैं रोहित शर्मा को। यहाँ से मैंने ड्रॉप कर दिया शिखर धवन को। अब यहाँ से मैंने शिखर धवन को इसलिए ड्रॉप किया है क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट की प्रॉब्लम आ रही थी इस मैच में। आपको बता दें कि क्रेडिट की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन मैंने यहाँ से पिक कर लिया है लोकेश राहुल को, और यहाँ से पिक किया है मैंने डार्सी शॉट और क्रिसलिन को। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्रिसलिन, डार्सी शॉट और लोकेश राहुल। देखिए डार्सी शॉट को पिक करने का यहाँ पे मेरा ये मकसद था क्योंकि देखिए मैं चाहता तो डार्सी शॉट की जगह बैन मैकडरमेट को पिक कर लेता तो 8 क्रेडिट में ये मिल जाते मुझे, और यहाँ से मैं विकेट कीपिंग से ऋषभ पंत को ले सकता था। लेकिन मैंने डार्सी शॉट को यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि अभी तक कुछ खास किया नहीं है और उम्मीद है इस मुकाबले में ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि डार्सी शॉट कुछ ओवर बॉलिंग भी फेंक सकते हैं, और आपको जैसा मैंने बता रहा हूँ तभी से स्पिनिंग ट्रैक है तो ये अच्छा पिक हो सकते हैं इस पिच पे। तो आप देख ले कि आपको बैन मैकडोरमेट के साथ जाना है या डार्सी शॉट के साथ जाना है, और आप बिल्कुल ही जाना चाहते हो एरोन फिंच के साथ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे पिक हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से इन्हें ड्रॉप किया है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे दिनेश कार्तिक के, काफ़ी अच्छे पिक होंगे आपके लिए, काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, और आपने देखा होगा जब भी इंडिया लड़खड़ाती है तो काफ़ी अच्छा आके बैटिंग करते हैं। अब ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो मैंने यहाँ से ड्रॉप किया है मार्कस स्टोनिस को। आप लेना चाहें तो बिल्कुल ही ले सकते हैं। अगर मैं मार्कस स्टोनिस को लेता तो मैं कुछ बॉलर को मिस करना पड़ता मुझे, इसलिए मैंने मार्कस स्टोनिस को ड्रॉप किया है।
आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ से आप लेना चाहें तो करनाल पांड्या को भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से केवल मैक्सवेल को ही अपनी टीम में रखा है, जो कि काफ़ी अच्छे लय में नज़र आ रहे हैं अभी कुछ दिनों से। वही बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो बॉलिंग में मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया एंड्रोटाई को, आप बिल्कुल ही ले सकते हैं। क्रेडिट प्रॉब्लम मैंने बता रखा है कि क्रेडिट काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है, यहाँ से मैंने लिया है कुलदीप यादव को, और यहाँ से मैंने ले लिया है नाथन कोंटनिलो। ये अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऑर्डर जो लड़खड़ाती है तो ये काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी कर देते हैं आगे नीचे में और कुछ रन बना देते हैं, और यहाँ से मैंने ले लिया है भुवनेश्वर कुमार को। हालांकि मैं सोच रहा था कि यहाँ से भुवनेश्वर कुमार के जगह एडम जाम्पा के साथ जाएं, लेकिन मैंने सोचा फिर भी कि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अगर बॉलिंग अगर स्पिनिंग कुछ ज़्यादा स्पिन हुई यहाँ पिच पे गेंद, तो यहाँ से डार्सी शॉट आपके पास हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, तो ये भी बॉलिंग कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियन स्पिनर कुछ ज़्यादा खास कर पाएंगे इंडियन बैट्समैन के सामने। तो आप जाना चाहें तो बिल्कुल ही जा सकते हैं, स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ से मैंने भुवनेश्वर कुमार को ले लिया है। आपके पास ऑप्शन की बात करें तो अंडर टाई है, आप किन्हीं को ड्रॉप करके अंडर टाई के साथ जा सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ से मैंने देख रहे हैं कैप्टन बनाया रोहित शर्मा को और वाइस कैप्टन बनाया विराट कोहली को। काफ़ी लोग विराट कोहली को ड्रॉप कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 59% केवल लोगों ने इन्हें लिया है। ये तो नाइंसाफ़ी है, इतने बड़े प्लेयर हैं, आपको पता है ना कितने अच्छे प्लेयर हैं विराट कोहली। आप जाना चाहें तो बिल्कुल ही जा सकते हैं। और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो आप क्रिस लिन के साथ जा सकते हैं या आप फिर ग्लेन मैक्सवेल के साथ जा सकते हैं, और अगर आप जाना चाहें तो कुलदीप यादव के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे मैंने लिया है एलेक्स केरू, विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्रिस लिन, लोकेश राहुल, डार्सी शॉट, ग्लेन मैक्सवेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, नाथन कुंटरनीले, भुवनेश्वर कुमार, यहाँ से इनको ले लिया है मैंने। अब देख लेते हैं टीम प्रीव्यू। तो ये हमारी टीम रहेगी इस मुकाबले के लिए, आप बिल्कुल ही एक दो चेंजेस करके जाएं, ये बस आपको समझाने के लिए थी, आप एक दो चेंजेस करके जा सकते हैं। अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो बिल्कुल ही चले जाएं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से आप एक दो चेंजेस करके ही जाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करें, और चैनल को आगे ले जाने में मुझे आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।